हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम तीन कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फ्लावर वाला बिल्कुल अलग तरीके का डोरमैट बनाएंगे। उसके लिए देखिए, मैंने ये येलो और वाइन ग्रीन कलर ले लिए हैं। आपके पास जो भी कलर हैं आप उसी कलर से बना लें। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके के डाले हैं, जैसे मैं डालती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे मैंने येलो कलर से डाले और 2 फंदे ग्रीन कलर से डाल लिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो से ही हम यहाँ पर डिजाइन डालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस धागे को साथ में लेते हुए चलेंगे, 2 फंदे हम ग्रीन कलर से बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इसको साथ में दबा लेंगे, 2 फंदे बनाए। और यहाँ पर देखिए, इसको आगे करेंगे ग्रीन वाली पट्टी को, 1 फंदा बनाया, पीछे की तरफ धागे को करेंगे इस तरह से, 1 फंदा और बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने 1 फंदा बढ़ा लिया। अब पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे इस धागे को, और इस तरह से देखिए, बना लेंगे हम इसको। 2 फंदे लास्ट के छोड़ेंगे। इस तरह से देखिए, दो फंदे छोड़ देंगे और वापिस सीन से पलट जाएंगे इस तरह से। इस तरह देखिए, 2 फंदे छोड़े और वापिस सीन से पलट जाएंगे। देखिए, सीधी साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बनानी है। सीधी साइड से हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ना ही कोई फंदा बढ़ाना है, ना ही कोई फंदा छोड़ना है। उल्टी साइड से ही हम पीछे की साइड 2 फंदे छोड़ेंगे और आगे की साइड 2-2 फंदे, 1 फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सभी फंदे हम बना लेंगे। ये देखिए, येलो पट्टी पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन धागे को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, इस धागे को टाइट करते हुए जाएंगे हम। यहाँ पर इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे ऐसे, और बना लेंगे लास्ट वाला फंदा। देखिए, सीधा बनाएंगे इस तरह से, ये फंदा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड देखिए, इस फंदे को उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन फंदा हमारा धागा बचा हुआ है, इसको दबा लेंगे साथ में। देखिए, अब इसे क्रॉस करवाएंगे, धागे को क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, येलो कलर से बनाया पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और 1 फंदा यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर पट्टी को, धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए, बना लेंगे 2 फंदे लास्ट के हम फिर से छोड़ देंगे। लास्ट के 2 फंदे देखिए छोड़ देंगे
और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से कोई भी चेंज नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए सीधी साइड से पूरी रो उल्टा उल्टा बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा, आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहें उतना ही बड़ा बना सकते हैं। टू के मल्टीपल में फंदे लेकर जितना मर्जी बड़ा इसे बना लें। ये देखिए इस तरह से इस धागे को येलो को पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे क्रॉस करवाते हुए। इस तरह से देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पर देखिए फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। इस फंदे को उतार लेंगे और ये ग्रीन वाला एक फंदा बनाया, यहाँ पर इसे क्रॉस करवाएंगे इस तरह से धागे को, ग्रीन को आगे की तरफ लेके आएंगे और येलो को नीचे से ऊपर को बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक बार फिर से निकाल लेंगे। इस तरह से एक फंदा हमारा फिर से बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें दो दो करते हुए पीछे की साइड सभी फंदे छोड़ लेंगे और आगे की साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए, ये हमारे 18 फंदे हैं। तो हमें 18 फंदे पीछे की साइड छोड़ने हैं और 9 फंदे आगे की साइड बढ़ाने हैं। तो देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे। लास्ट के देखिए दो फंदे फिर से छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। इस फंदे को देखिए बना लेंगे ऐसे। इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी सिलाई में हमें सीधी सिलाई उल्टे उल्टे बुननी है, इसमें ना ही हमें कोई फंदा छोड़ना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। देखिए येलो धागा पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन धागा नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करवाते हुए आगे को लेके आएंगे और लास्ट वाला फंदा देखिए सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये क्या है कि हमारी प्रॉपर किनारी बन के आ जाएगी इस तरह से। इस फंदे को उतार लेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से क्रॉस करवाएंगे और इस येलो फंदे को बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक बार फिर से इसे निकालेंगे नहीं, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो दो फंदे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 18 फंदे छोड़ लेंगे। तो चलिए मैं 18 फंदे छोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। दो फंदे हम और छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को उतार लेंगे ग्रीन वाले को और यहाँ पर एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे इसे क्रॉस करवाते हुए। देखिए क्रॉसिंग का ध्यान रखें आप। और एक फंदा बढ़ा लिया हमने, यहाँ पर धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं और 18 फंदे छोड़ दिए। दो फंदे हम अब की बार छोड़ेंगे। तो ये हमने 18 फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे छोड़ दिए और 9 फंदे आगे की साइड बढ़ा लिए हैं। वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस फंदे को बनाएंगे
सीधी साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे जो फंदे जिस कलर से हैं। ये देखिए, इस पट्टी को पीछे करेंगे, धागे को इसे आगे की तरफ लेके आएंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे तो हमारी इस तरह से प्रॉपर तरीके से किनारे बन के आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो फंदे 9 फंदे हमने बढ़ाए थे, इन फंदों को हम देखिए इस फंदे को उतार लेंगे, उतारा और यहाँ पर 2 फंदे तो ये हमारे थे, 9 फंदे भी हम ग्रीन कलर के बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 9 फंदे देखिए हमने बना लिए ग्रीन कलर से और वापस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। देखिए वापस यहीं से पलट जाएंगे, देखिए लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने इस तरह से, ये हमारी देखिए हाफ कली बन के आ गई है इस तरह से। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर देखिए ये जो 9 फंदे हमने बढ़ाए थे उन फंदों को घटा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9 फंदे देखिए हमने यहाँ पर घटा दिए हैं इस तरह से, और ये हमारे 2 फंदे जो हमने बॉर्डर के लिए रखे थे वो 2 फंदे हमारे यहाँ पर बच गए हैं। तो अब देखिए इस पूरी रो को हम ग्रीन कलर से बना लेंगे, जो 2-2 करके हमने फंदे छोड़े थे, ये देखिए यहाँ पर हमारी गैपिंग आ रही है, तो गैपिंग भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ पर अब हम देखिए येलो कलर लगाएंगे, ये ग्रीन कलर से ही इस पूरी रो को बनाना है हमें। देखिए यहाँ पर गैपिंग है तो गैपिंग को भरने के लिए एक फंदा उठाएं और 2 का एक बना लें, ये देखिए इस तरह से एक फंदा उठाएं और 2 का एक बना लें, फिर से देखिए एक फंदा उठाएंगे 2 का एक बना लेंगे इस तरह से। देखिए बनाते हुए उस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, जो 2-2 करते हुए हमने फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को साथ में बना लेंगे। यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे और 2 का एक बना लेंगे, फिर से देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पर 2 का एक बना लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से उठाया फंदा और 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस धागे को हम साथ में दबा लेंगे, इस येलो वाले को जो हमने फंदे डाले थे इस तरह से, और ये जो 2 फंदे लास्ट के हमने छोड़े थे इन फंदों को भी हम बना लेंगे। इस धागे को देखिए इस तरह से टाइट करते हुए यहाँ पर दबा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी ये हाफ कली बन के आई है। अब देखिए यहाँ पर हम इस पूरी रो को
ग्रीन कलर से ही बना लेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमारे जिस तरह से हमने 20 फंदे डाले थे, अब हमारे यहाँ पर 20 फंदे बच गए हैं। तो देखिए काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाएंगे 20। ये 20 फंदे जैसे हमने डाले थे और इस गले को जैसे स्टार्ट किया था उसी तरह से, देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। ये हमारी हाफ गले बनकर कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब देखिए फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, फर्स्ट वाला फंदा बनाएंगे नहीं उतार लेंगे, और यहाँ पर इस पूरी रो को येलो कलर से बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ब्लू छोड़ते हुए जाएंगे, पूरी रो येलो कलर से बना लेंगे लास्ट तक। इस तरह से देखिए सीधी साइड से भी इस रो को हम बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बनाना, आप इसे आसानी से बना लेंगे। एक बार जब बनाने लगेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, अब हम येलो धागे को पीछे करेंगे और ग्रीन को आगे लेके आएंगे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करवाते हुए। इस तरह से देखिए, आप क्रॉसिंग का ध्यान रखें क्रॉस करवाते हुए, वरना आपका यहाँ पर देखिए बीच में होल बन के आ जाएगा। इस तरह से ऐसे फिर से बिल्कुल उसी तरह से बनाते हुए जाना है। देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस फंदे को उतार लेंगे और यहाँ पर देखिए एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे हम, जैसे हम बढ़ाते हुए आए थे। धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को उतारेंगे नहीं, एक बार पीछे की साइड से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया है। तो इसी तरह से हमें दो दो करते हुए पीछे की साइड से फंदे छोड़ने हैं और आगे की साइड दो दो फंदे, एक एक फंदा आगे यहाँ पर बढ़ाना है और पीछे की साइड दो दो फंदे छोड़ते हुए बनाना है। पूरी रो देखिए लास्ट तक बना लेंगे ऐसे। लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे और वापस सही से पलट जाएंगे। इस तरह से देखिए सीधी साइड से हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
देखिए ये जो ग्रीन कलर की सिलाई है, आप अगर यहाँ पर बीच में ना डालना चाहें तो इस कली को कंप्लीट करने के बाद भी डाल सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में डालना चाहें तो दोनों के बीच में भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे दोनों ये कली बनाकर उसके बाद इसे बनाएं तो और भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको उस तरीके से भी इसे बनाकर दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है। हाफ कली ये बनाई और हाफ कली ये बनाई। देखिए जिस तरह से मैंने इस कली को बनाया उसी तरह से सेम इसे भी बनाया। तो ये हमारी एक कली इस तरह से बनके कंप्लीट हो गई है। तो देखिए अब हम यहाँ पर तीसरा कलर लगाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर फंदे डाले थे बिल्कुल उसी तरह से देखिए हम यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपके पास जो भी कलर है आप वही कलर लगा लें। जो कलर आप लगाना चाहते हैं, आपको कलर अच्छे लगते हैं, उसी कलर से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये कलर लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये दो फंदे हम ग्रीन के ही बनाएंगे क्योंकि ये हमारे बॉर्डर के लिए हैं। और यहाँ से हम तीसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए जो 18 फंदे हैं हम इस कलर से बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए इसी तरह से लास्ट तक हम पूरी रो बना लेंगे। और यहीं से पलट जाएंगे। इधर से भी हम इस पूरी रो को बना लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। देखिए एक बार मैं इस कलर से भी आपको शुरू करके दिखा दूंगी। अब देखिए वाइन को पीछे करेंगे और ग्रीन धागा आगे लेके आएंगे। दो फंदे ग्रीन कलर के बना लेंगे। इन फंदों को हमें ग्रीन कलर से ही बनाना है लास्ट तक। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इस तरह से बना लेंगे हम। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं। और यहाँ पर अब हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए तो इस तरह से देखिए उतारा, इस धागे को पीछे की तरफ किया और यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया। पर धागे को अपनी तरफ करेंगे, पूरी रो लास्ट के दो फंदे छोड़ने तक पूरी रो उतार लेंगे। इसी तरह से देखिए दो दो फंदे पीछे की साइड छोड़ते हुए जाएंगे, 18 फंदे छोड़ेंगे और आगे की साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए 9 फंदे हम बढ़ा लेंगे। जैसे हमने उस कली को बनाया है इसी तरह से हम इस पूरे डोरमेट को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न है बनाने का। ये देखिए दो फंदे छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे हमने इस कली को बनाया है उसी तरह से हमें इस पूरे डोरमेट को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से।